हेलो, आप सभी का मेरी बिल्कुल न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले ट्रिक के बारे में ही सीधा बात करेंगे, फालतू की बात बाद में करेंगे। ये देखो, ट्रांसफॉर्म होगा नहीं, अगर थोड़ा सा भी हिल जाऊंगा तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और दोबारा तो ऑप्शन भी नहीं आता है। दोबारा ट्रांसफॉर्म पर क्लिक किया, अगर थोड़ा सा भी हिल जाऊंगा तो देखो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है। और जब ऐसे दो बार हो जाता है तो फिर दिखाता नहीं है। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक बार बाहर आना पड़ेगा, और उसके बाद आप दोबारा जब अंदर जाएंगे उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफॉर्म का, तब आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर बंदा है आसपास तो तब बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि आप लोग तब मर सकते हैं। तो देखो, अब हमारा एंटमैन बन गया है। अब उसके बाद बात करते हैं इस एंटमैन के बारे में और इन रोशनियों के बारे में। ये जो एंटमैन है, इसके पहले देखते हैं कि ये बंदे मार पाएगा नहीं मार पाएगा, हमारा एंटमैन मार सकता है नहीं मार सकता है। देखो, ले तो मिसाइल रखी है जो भाई साहब लॉक करके मारता है, वो ले रखा है, पर शायद ये बंदों को मार नहीं पाएगा ऐसे मेरे को लगता है। बाकी अभी देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। तो फिर हाँ, बंदे घूमते जा रहे हैं पर ये मार नहीं पा रहा है। मैंने कई बार मारने की कोशिश कर ली है बट ये बंदे मार नहीं रहा, तो शायद इसका डैमेज नहीं होता। और मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने दिखा रखा है कि अगर आप एंटमैन बने हुए हैं तो आपके ऊपर आप पे गोली लग सकती है, बट आपकी गोली से नॉर्मल प्लेयर नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ कि देखो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, थोड़ी सी भी उसकी एचपी कम नहीं होती है, वो आराम से घूम रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई साहब ये तो नहीं मानने वाले, तो आप क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या पता जब ये लोग बन जाएंगे हमारे एनिमी तब मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। तो हम लोग पीछे आ गए फटाफट से देखने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से एनिमी बन जाए हमारे, ये भी एंटमैन बन जाए, पर हम लोग वेट कर रहे हैं। एक गया है अंदर पर ही फिर से बाहर आ गया। देखो फिर से इसे कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। दूसरा प्लेयर, तो दो एनिमी हमारे सामने हैं पर ये लॉक नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब ये दो प्लेयर्स के अंदर गए हैं, दोनों में से अब कोई भी एक बनेगा, अब पता लगेगी कि क्या एंटमैन ही एंटमैन को मार सकता है क्या सिर्फ। हाँ देखो, अब लॉक हो रहा है हमसे सब लोग, देखो लॉक हो गया। ओ भाई लगी है, इसकी हेल्थ बहुत डाउन हुई होगी इस बार लगने से। अब हम लोग अच्छा, तो ठीक है तो आप एंटमैन बनकर दूसरे प्लेयर को नहीं मार सकते, बट अगर दूसरा प्लेयर भी एंटमैन बन गया है तो वो आप उसको मार सकते हैं और वो आपको मार सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम जल्दी से देखते हैं कि और कौन कौन बंदा आने वाला है आसपास। देखो ये बंदा बनने वाला है, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग बैठ के आराम से। ये बन गया, देखो लॉक भी हो गया लगे। ओ भाई साहब, एक मिसाइल इसमें लग भी गई है, एक मिसाइल और लग जाए तो वैसे फिर फिनिश हो जाएगा बंदा। पर पता नहीं क्या हुआ कि ये सारे बंदे ख़त्म हो गए एकदम से, इनके फुटप्रिंट वगैरह सब कुछ गायब हो गया। मैंने पूरे में देखा था, नहीं मिला। और जो येलो लाइट है, आप इनसे गन्स खरीद सकते हैं, हर एक येलो लाइट का कुछ पॉइंट होते हैं। तो अब दोबारा चलते हैं भाई, अब हम दोबारा से नॉर्मल मोड में आने वाले हैं। लो जी, हम दोबारा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं एंटमैन से नॉर्मल मोड के अंदर। हम लोग अब ट्रांसफॉर्म देखते हैं, यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। नॉर्मल में तो आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं एंटमैन बनने के बाद, बट अगर आप जोन से बाहर हैं तो ध्यान से देखिए, आप टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर कभी आप कभी जाओ कि भाई वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे एंटमैन के, बट नहीं, अगर जोन से बाहर है तो आप टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं। और आप भी मेरी तरह ऐसे ही आस पास ड्रॉप ढूंढेंगे, इनमें हेल्थ का ढूंढेंगे, तो समय रहते हुए आप यहाँ से निकल जाएं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपनी स्क्वाड के साथ शेयर जरूर करना इस नए मोड को। तो आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में। अब मैं जल्दी से भाग के अपनी हेल्थ बचाऊँ और आपसे मिलते हैं कल।